कि आपका बचपन कैसा रहा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड फैमिली बैकग्राउंड कैसा था। हाय एवरीवन, आज की डेट पे जो हमारे स्पेशल गेस्ट है उनका नाम है विकास सिंह और जो कि एमपी पुलिस है। तो अभी मिलवाते हैं आप लोगों से उनसे। तो जय हिंद सर, सबसे पहले आपको जय हिंद। जय हिंद मनोज भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम लोग थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। विकास जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप एक्सप्लेन करो, लाइक आपका बचपन कैसा रहा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, ठीक है थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर विकास सिंह और मैं वर्तमान में मेरी पदस्थापना है रीवा जिले में, मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा। वहाँ पे रीवा जिले में, और अभी मैं एक चौकी प्रभारी हूँ, चौकी प्रभारी हाटा है ना, वहाँ पे हनुमाना थाने की एक चौकी है वहाँ पे। इसके अलावा मेरा जन्म हुआ था, मतलब बेसिकली ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं कि जबलपुर से था, लेकिन जबलपुर के पास में मंडला है, मंडला करके एक छोटा सा जिला है और वहाँ पर एक गाँव है सर्री, तो मेरा बेसिक गाँव सर्री है, मैं वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। गाँव से ही बिलोंग करता हूँ, मेरी जो स्टार्टिंग स्टडीज़ हैं वो भी वहीं गांव से, शासकीय स्कूल से ही हुई है। जो गवर्नमेंट स्कूल स्टार्टिंग मेरी गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। ये अच्छा था कि अब मेरी जैसे तीन बड़ी बहनें हैं तो मुझे गाइडेंस अच्छा मिला शुरू से ही, कि बाहर कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमेशा मेरी बहन जो थी, बड़ी बहन है, वो मुझे बताती थी। सबसे छोटे हैं, सबसे छोटा, तीन बहनों के बाद सबसे छोटा भाई हूँ मैं, थोड़ा इसीलिए चंचल भी हूँ ज़्यादा। पापा क्या कर रहे थे? पापा मेरे किसान हैं और सामान्य सा परिवार है काफ़ी हमारा। बाकी अब अच्छा है, अभी हमारे यहाँ मतलब मेहनत करते करते सब लोगों ने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। दीदी भी मेरी जॉब में है। तो सरकारी स्कूल में कितना तक आप बोले पढ़ाई हुआ? सरकारी मेरी जो वहाँ पे जो मेन स्कूल है, तो वहाँ पे गांव में 10वीं तक था। एक्चुअल में स्कूल 8वीं तक था, जिस साल मैं 9वीं गया तो 10वीं तक था, तो पूरी वहाँ तक पढ़ाई वहीं से की मैंने। इसके बाद फिर मैं जबलपुर आ गया था और जबलपुर से पढ़ाई की, वहीं से इंजीनियरिंग की, वहीं से तैयारी की फिजिकल की और मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग भी कर करी? जी जी, एक्चुअल में क्या हुआ था कि जैसे ही मैं मतलब 12th के बाद था तो टेक्निकल फील्ड में गया मैं इंजीनियरिंग में, और फिर मुझे मेरी बड़ी बहनों ने ही गाइड किया कि आप अपने इंटरेस्ट पे काम करो, और मुझे थोड़ा यूनिफॉर्म से लगाव था, मतलब चाहे वो डिफेंस की, आर्मी की हो या पुलिस की, पर मुझे पसंद था। तो एक्चुअल में 12th के बाद मैंने एक एग्ज़ाम दिया भी था, NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी का एग्ज़ाम होता है 12th के बाद, तो वो भी दिया था, पर उस समय मैं उतना प्रिपेयर नहीं था तो उसमें मैं आउट हो गया था। रिटर्न तो हो गया था, पर एक SSB होता, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लेता है, उसमें मैं आउट हो गया था। फिर मैं तैयारी करता रहा और सेकेंड ईयर से मैंने फिर तैयारी शुरू की MPPSC की, MPPSC की तैयारी शुरू की और सब इंस्पेक्टर की, मतलब या तो DSP बनेंगे या सब इंस्पेक्टर, मतलब यूनिफॉर्म से ही प्यार था कि अपने पहले पे। प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम, मतलब आप कितने एज, क्या था आपका उस टाइम एज? मेरी 16-17 साल से स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पब्लिक को बताना चाहूँगा, आप लोगों मैंने बताना भूल गया, ये सबसे ज़्यादा यंगेस्ट सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। इनका अभी एज हो रहा 25, और जब इन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया था उस टाइम इनका एज था मात्र 21 ईयर्स। 21 साल के एज में ये जो है सब इंस्पेक्टर बने हुए हैं, तो थोड़ा सा और आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आप थोड़ा कंटिन्यू कर। जी थैंक यू। तो उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग के दौरान ही सेकेंड ईयर से मैंने तैयारी चालू कर दी थी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना हाई है कि आप सोचें कि ग्रेजुएशन के बाद आप सब इंस्पेक्टर तैयारी करेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। अच्छा। और आपको 2-3 साल उसमें लग जाएंगे, इसीलिए मैंने पैरेलली चालू कर दिया। इंजीनियरिंग भी चल रही, साथ में हम लोग कोचिंग भी कर रहे हैं और साथ में फिजिकल भी कर रहे हैं, और साथ साथ करते रहे। और आप डेडिकेशन काफ़ी था आपका इस फील्ड में? हाँ, इसमें मेहनत आपने काफ़ी की, मेहनत काफ़ी की, तीन चीज़ें एक साथ करते। जी जी, और मेन ये था कि अच्छा सर्कमस्टेंसेस, जैसे मैं लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आपके माहौल का फ़र्क पड़ता है। आप अगर आप अच्छे दोस्त बनाएंगे तो आप अच्छी जगह पहुँच जाएंगे। मतलब जैसे मेरा था, जैसे मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ तो कभी जैसा मेरा पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा, तो जो भैया लोग थे साथ में जो 4-5 तैयारी कर रहे थे, मुझे लगता था कि कंटिन्यूटी नहीं रहती थी, कि आज 2 दिन पढ़ लिया तो लगता था यार 2 दिन तो अच्छे से पढ़ा, आज मैं आराम कर लेता हूँ, तो भैया लोग उठा के खड़े कर देते, नहीं ये टॉपिक है अपना, इसको कम्प्लीट करना। तो मतलब सर्कमस्टेंसेस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उन्हीं का मतलब सहयोग था कि मैं उनके साथ साथ तैयारी करता रहा और पहले अटैम्प्ट में इतने अच्छे नंबर्स में, इतने कम एज में मतलब मैं सेलेक्ट हो पाया। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में ही अपने पहले अटेम्प्ट वही, और वही मेन चीज़ है, मतलब पहले अटेम्प्ट में करने का कारण ये है कि मेरे साथ जो भैया लोग थे वो ऑलरेडी 2-3 एग्ज़ाम दे चुके थे, तो जो छोटी छोटी गलतियाँ, कई बार क्या होता है हम पूरी तैयारी भी करते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, तो वो गलतियाँ मैं नहीं किया, उन लोगों ने मुझे सुधारते रहे हमेशा हर पड़ाव पे, तो मैं पहले बार गाइडेंस आपको बहुत गाइडेंस मिल गया शुरू से। बाकी मोटिवेशन भी वहीं लोग से, उन्हीं से मोटिवेशन मिला, और यही मतलब मेरा मेन यही है, सबको यही कहता हूँ मैं कि दोस्ती आप अच्छी रखिए, अच्छे लोगों के साथ। सही बात है, आपका जैसा संगत होगा, एक कहावत है, जैसा संगत वैसा रंगत, ठीक है। अब संगत अगर खराब रहे, अगर वो बोले कि चल भाई आज पार्टी करते हैं, वही बात हमारे पास चॉइस थी, ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है घर से मतलब कैसे भी आता था लेकिन पैसे आ जाते थे इंजीनियरिंग के नाम पे, तो मैं चाहता तो मिसयूज कर सकता था, लेकिन अच्छे दोस्त थे, उन्होंने अच्छी जगह पे मतलब मैंने अपना टाइम हर चीज खर्च किया। आपका जब
हो गया जॉब जी, तो उसके बाद घर वालों का रिएक्शन ऐसा नहीं था कि नहीं पुलिस में मत जाओ, क्योंकि काफ़ी लोग डरते हैं कि पुलिस वाला फील्ड में नहीं जाओ, आर्मी में मत जाओ। हाँ, है ना, मतलब बेसिकली ज़्यादातर आर्मी के लिए रहता है, और घर वाला खासकर मम्मी तो सेंसिटिव रहती हैं, और जैसे कि मैं तीन बहनों के बाद का भाई हूँ, सबसे छोटा, मतलब सबसे लाड़ला। अच्छा, एक्चुअली मैं थोड़ा बदमाश भी रहा हूँ हमेशा स्कूल में भी, मतलब मैं शुरू में बैक बेंचर ही था, पर मैं जब समझ में आया आगे बढ़ते बढ़ते कि पढ़ाई हमें बचाती है, मतलब पढ़ाई में अच्छे रहो तो पापा भी पीठ थपथपाएंगे, हर चीज़ रही। जब मैं छोटा था तब मैं छोटी उम्र में ही समझ गया कि नहीं, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, आप कुछ भी करते रहें साइड में वो अलग बात है, पर मेन आपकी पढ़ाई रहनी चाहिए। तो मैं उसको साथ साथ लेके चला, तो इसी वजह से मतलब मैं सही समय पर आ भी गया। तो मम्मी सेंसिटिव है, तो मम्मी थोड़ा डरती थी, मतलब इवन मैं सब इंस्पेक्टर बन गया, मतलब पोस्टिंग हो गई, उसके बाद भी मेरी मम्मी जब मैं घर से जाता था छुट्टी से वापस में, तो यही बोलते थे कि मेरा घर का नाम विक्की है, तो बोलते थे विक्की ध्यान रखना, किसी से भी उलझना नहीं है ना, ड्यूटी जैसे करना हो, पर्सनल ना हो, मतलब ऐसे मम्मी थोड़ी सेंसिटिव थी उसके लिए थोड़ा। बात ये भी बहुत कम उम्र में जी एक्चुअली हो भी गया ना, है ना, 21 साल बहुत कम उम्र होता है। सोशल मीडिया लेवल पे मैं थोड़ा सा काम करता था, मैं फोटो वोटोज डालता था, वो भी मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था, उस पर भी एक स्टोरी है कि जब मैं तैयारी करता था तो जैसे कभी मन नहीं लग रहा ना मुझे, तो मैं किसी को वर्दी वाले को देखता था फोटो, जो भैया लोग पहले सिलेक्शन लिए, तो एक नई ऊर्जा आती थी। अच्छा, मतलब उनको देखने को यार दो स्टार लगे हैं, कितना अच्छा लग रहा, सोच के मैं एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ता था। मतलब जो अपने जैसे जो गांव के लड़के रहते हैं तो उनका यही सपना ही रहता है, मतलब अब छोटी छोटी चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, तो मैं वो देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं देखता था भैया लोग जा रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, ये चीज़ें, तो बहुत। तो फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि यार जैसे तुम देखते थे हम लोग भी तुम्हें देख के कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा अपडेट रहा करो, तो मैं इसलिए थोड़ा सोशल मीडिया में थोड़ा सा। अगर सर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ, लाइक बहुत सारे ऑडियंस ये वीडियो देखेंगे जी, तो मान लीजिए जिनको एकदम जीरो नॉलेज है कि जैसे आपका जॉब कैसे लगा मध्य प्रदेश पुलिस में, तो मतलब इसका थोड़ा सा आप बता दो कि कैसे प्रिपरेशन किए थे आपने, ठीक कैसे है, क्या करना। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब अपन उसके सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टेट में सेम ही रहता है, कुछ कुछ चीज़ें आगे पीछे होते हैं कि थोड़ा ज़्यादा मार्किंग हो जाएगी कम हो जाएगी, पर लेवल वही रहेगा। तो मैं मध्य प्रदेश का दिया हूँ, तो मैं उसका डिस्कस करता हूँ। और मध्य प्रदेश में तो हो सकता है इस बार पैटर्न बदलने का है, क्योंकि 5 साल हो गए, पर जो हमारा अभी तक का पैटर्न था उसको मैं डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले सब इंस्पेक्टर में ये रहता है कि आपका 200 अंक का पहले रिटर्न होता है। अच्छा। उसमें भी सबसे ज़्यादा आता है 70 अंक की हिंदी आती है, हिंदी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और विशिष्ट हिंदी, सामान्य हिंदी नहीं, विशिष्ट हिंदी आनी चाहिए। तो 70 अंक की आप वो अच्छे से तैयार करिए, और 30 अंक की इंग्लिश रहती है जनरल इंग्लिश, वो अच्छे से तैयार करिए, और बाकी 100 अंक रहता है जीएस जनरल स्टडीज़, वो पूरा 100 मतलब मैथ्स वगैरह रीजनिंग सब कुछ उसमें कवर होता है, एमपी करंट अफेयर्स आजकल थोड़ा ज़्यादा ट्रेंडी है, वो सब कुछ कवर हो जाता है। तो ये आपको रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, और साथ में फिज़िकल, जैसा कि मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूँ कि मतलब ये बाहुबली जैसा है, बाहुबली का एक डायलॉग याद होगा आपको कि शस्त्र और शास्त्र दोनों में परांगत होना चाहिए। तो इसमें यही है कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग तैयारी करते हैं, खूब ज़्यादा रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, और सोचते हैं कि जब हम लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा तब हम फिजिकल क्रिया करेंगे, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाता। बहुत ही आप बहुत जब तक कि आप टॉप लेवल के एथलीट ना हो, आप 2 महीने में नहीं कर पाएंगे फिजिकल, जब तक कि आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स मतलब आपका कहना यही कि दोनों साथ मेरा ये कहना है कि आप दोनों को साथ साथ लेके चलिए, कि अगर आप पढ़ रहे हैं दिन भर या रात भर जो भी, तो आप सुबह दौड़ने भी जाइए, गोला फेंक की भी प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट पुट की, लॉन्ग जंप की भी करिए, मतलब उसको पैरेलल ही लेके चलिए, तो आप बहुत अच्छे सही समय पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ जानकर के, काफ़ी लोग इसे इंस्पायर भी होंगे। जी जी थैंक यू। और आप ये बताओ, जैसे बहुत सारे लोग आपको भी बोलते होंगे, यहाँ तक कि मुझे भी बोलते हैं कि मतलब किस्मत था तो आप बन गए, जैसे 21 साल की उम्र में सब इंस्पेक्टर बनना बहुत बड़ी बात, तो आपको क्या लगता है कि किस्मत था आपका या फिर आपका मेहनत था? देखिए किस्मत का तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं मानता हूँ, इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा मैं आपको रुकना चाहूँगा। काफ़ी लोगों का ये भी कहना होता है ना जी कि जब कोई सक्सेस हो जाता है तब वो इंसान वैसा ही बोलता है कि किस्मत को मैं नहीं मानता था, लेकिन जो सक्सेस नहीं वो बोलेगा नहीं किस्मत नहीं, तो इस पर मैं ये कहूँगा कि जो मेरे साथ थे, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जो मेरे गांव के दोस्त हैं, इंजीनियरिंग लाइफ के दोस्त हैं, जो मेरे साथ में जो भैया लोग जिनके साथ तैयारी की है, वो कभी आपको नहीं बोलेंगे। और जिस हिसाब से मैंने स्ट्रगल देखा है शुरू से ही, तो वैसे तो मैं ज़्यादा ये सब चीज़ें उतना ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करता हूँ, पर फिर भी मैं आपसे आज डिस्कस करते हैं कि जिस हिसाब से स्ट्रगल था, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा किस्मत का है। जैसे मैं आपको बता दूँ, सब इंस्पेक्टर बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम तो नहीं है, एक मीडियम लेवल का एग्ज़ाम है, लेकिन इसके लिए मतलब काफ़ी मेहनत की। आप मानिए कि इंजीनियरिंग भी एक टफ कोर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं कर रहा था, साथ साथ उसमें रैंक लाना, जैसा कि और मेरा मतलब एक अच्छा भी रहा कि मैं बताया कि मैं पढ़ाई की तरफ झुक गया था, तो मैं हमेशा टॉप 5 के नीचे नहीं आया, ना कभी स्कूल में ना कभी इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो भी मेंटेन करना था मुझे अपनी रैंक वहाँ पर, डिग्री अच्छी बनी इंजीनियरिंग की। तो साथ में इंजीनियरिंग, जैसे मेरा सुबह से जाता था, मैं सुबह 9 बजे से कॉलेज स्टार्ट हो जाता था, 5 बजे वहाँ से फ्री हो रहा है, आ रहे 6 बजे तक मैं फ्रेश रेस होकर अपने हॉस्टल से फिर कोचिंग चले जाते थे।
तो हम लोग, मैं एक कोचिंग थी वहाँ पे बहुत अच्छी, गौतम आई एस अकेडमी वहाँ पे मैं पढ़ता था। तो वहाँ पे सर लोगों का बहुत अच्छी सुविधा है कि आप जब पढ़ना है, रात को भी क्लासेज रहती थी तो मैं रात को वहाँ पढ़ता था। फिर रात को पढ़ते फिर हम हॉस्टल आके दोस्तों के साथ डिस्कस करते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि डिस्कस करते करते, मतलब जैसे 10 बजे से हम लोग बैठे खाना खा के कि चलो अपन को 4 चैप्टर ख़त्म करना है, 4 चैप्टर ख़त्म करते करते सुबह के 4 बज जाते थे एक रात और भर, मतलब हाँ रात भर। और ऐसा एक दो नहीं है कि एक बार हुआ, सैकड़ों रातें हैं ऐसी, सैकड़ों ऐसी रातें हैं कि रात भर हम पढ़ते रहे, 4 बजे तक में सिलेबस खत्म हुआ। और फिर हम जहाँ फिजिकल के लिए जाते हैं तो वहाँ एक सर हैं आनंद सर, आनंद अकेडमी करके हैं, वो फिजिकल के लिए दौड़ाते हैं, सिखाते हैं। तो आनंद सर क्या होता है कि अगर आप लेट पहुँचे तो एक्स्ट्रा चक्कर लगवाते हैं, दौड़ना एक्स्ट्रा पड़ता है। वो तो खैर इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, वो हमें सिखाते हैं कि अपने स्ट्रेंथ बिल्ड कराने के लिए और टाइमिंग और मतलब आपका डिसिप्लिन। तो 4 बजे तक हम लोग पढ़ते थे, तो अब बोलते थे यार 1 घंटे अब सोएंगे तो उठ ही नहीं पाएंगे, तो चलो एक चैप्टर और ख़त्म करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ ऐसी सैकड़ों रातें कि हम लोग रात भर पढ़ के सुबह दौड़ने चले जाते थे, फिर आके सोते थे 2 घंटे और फिर कॉलेज। मतलब ऐसे बहुत सारा है कि किसी चीज़ को पाने के लिए, इसीलिए मैं ज़्यादा मतलब छोड़ना पड़ा। हाँ वही, मतलब उस साल तो जिस साल तो मेन सिलेक्शन का टाइम था, उस साल तो फाइनल्स थे, सबसे ज़्यादा मेन डिग्री उस पर ज़्यादा मतलब मेन रहता है, उसी से CGPA होता है हमारा। तो लास्ट ईयर और उसी साल सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देना था, जस्ट जुलाई में हमारी ख़त्म हो रही थी इंजीनियरिंग और सितंबर में एग्ज़ाम था रिटर्न का। उस साल ना कोई त्यौहार में गए, ना कहीं, ना कहीं, कमरे में ही इतने बजे उठे, यहाँ गए, रात भर पढ़े, फिर दौड़ने गए, फिर 2 घंटे बीच में टाइम मिला, फिर सोए, फिर कोचिंग, फिर मतलब पूरे टाइम एकदम एक जुनून था। और जुनून में साथियों के साथ जुनून और जज्बा बहुत जरूरी है तभी किसी चीज़ को। हाँ, और यहाँ पे मैं एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, नेगेटिविटी से दूर रहें। क्या होता है कि आपको हर आदमी यही कहेगा कि पहली बार में किसका निकलता है, जैसे कोचिंग ही जाओगे तो कहेंगे वो देखो तो 6 साल तैयारी कर रहा, सब इंस्पेक्टर कोई पहली बार बन जाएगा क्या? तो ऐसे लोगों से दूर रहना। आप नेगेटिव सर्कमस्टेंसेज में रहेंगे तो मन भी आपका वैसा हो जाएगा। आप पॉजिटिव लोग के साथ रहे जो कहेगा कि सिलेक्शन होगा आपका, सही बात है, तो आप बिल्कुल सिलेक्ट। तो हर एक फील्ड में ये होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार का आंसर मिलता है। कोई आपको नीचे गिराने के चक्कर में रहता है, कोई बोलता है नहीं आप बहुत कुछ कर सकते। सही बात, जीता जाता उदाहरण आप हो, आप 21 साल आपकी स्टोरी। मतलब मैं आपको मेल करने का एक कारण, खैर मेरे जीजा जी ने सजेस्ट किया था, पर मेरा एक कारण ये भी था कि मैंने आपकी स्टोरी जब देखी तो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगी। आपका स्ट्रगल देखा आपके पुराने, मैंने एक ना आपके डाला भी था उसका, अच्छा आपका बना के इंस्टाग्राम में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेन वही कारण था। तो अभी सर आप, मैं मुझे जहाँ तक पता है कि आप भी सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत एक्टिव हो, लाइक इंस्टा पे भी आप हो, यूट्यूब पे भी आप आ गए अभी अभी जी, ठीक है, फेसबुक पे भी है क्या? जी फेसबुक में एक पेज है मेरा। इसमें कैसे इंटरेस्ट आ गया इसमें? तो जैसा कि मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब मैं तैयारी करता था तो मैं उनको देख के बहुत खुश होता था, है ना, और मतलब जो लोग सिलेक्ट हो गए, एक अलग मोटिवेशन कि यार इनको देख। जैसे अभी भी आप मेरे जैसे इंस्टा में मेरे काफ़ी फॉलोअर हो गए हैं, मतलब लोकल लेवल पे 34,000 करीब हो गए हैं। तो उन लोग, हाँ उसमें मतलब आप कमेंट्स देखेंगे ना तो भैया यही बोलेंगे कि आपको देख के ही लगता है कि हम एक्स्ट्रा पढ़ें एक चैप्टर। ज़्यादातर आपको हर ही फोटोज़ में ऐसे कमेंट्स मिल जाएंगे कि भैया बहुत अच्छा लगता है। सक्सेसफुल इंसान से लोग मोटिवेट होते हैं, बस मेन कारण यही था, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, खासकर MP में बहुत पुलिस बल की भी कमी है, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। पर अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है हमें, तो थोड़ा अगर इसमें डाल देते हैं तो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। किस प्रकार का वीडियो डालते हैं इसमें? वैसे तो वीडियोस यूट्यूब तो मैंने अभी डेढ़ महीने पहले ही इसमें एक्टिव हुआ हूँ। बाकी सोशल मीडिया में नॉर्मल फोटो डालता था, कोई अच्छा काम की पुलिस का मतलब पॉजिटिव व्यू दिखाने के लिए अच्छा काम की, तो उसका जो प्रेस नोट वगैरह रहती है वो डाल देता था। और यूट्यूब में तो मैंने अभी चालू किया मैं अपने लिए, जैसे कि यही कि अपन तैयारी तो पूरी करते हैं पर सिली मिस्टेक्स कारण आदमी छूट जाता है। तो वो आदमी गलती ना करे, तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत लाइव क्लासेस चालू कर लेता हूँ कभी, या फिर कुछ यूनिक से केस हो जाते हैं जिनसे सीखने को मिले, कोई समाज को मैसेज जाए, वो जैसे कोई मर्डर हुआ या कोई ऐसी चीज़ें हुई तो उनके बारे में डिस्कशन करता हूँ मैं, ताकि लोग अवेयर रहें। कंटिन्यू कीजिए, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा सीखेंगे भी, थोड़ा बहुत अच्छा मैसेज भी आप दे रहे हो और लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और लास्ट डिस्कस करना चाहेंगे हम लोग, लाइक काफ़ी लोगों का माइंडसेट में ऐसा बैठा हुआ है कि पुलिस वाला मतलब वो अच्छा इंसान नहीं होता है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सही बात, ज़्यादातर लोगों के मन में ऐसा मंतव्य बना हुआ है कि पुलिस अच्छी नहीं होती है या पुलिस ऐसा ब्राइब लेती है, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करती ऐसा, पर ऐसा नहीं है। देखिए जैसे एक घर में ही आप देखेंगे कि 2 भाई हैं तो एक बहुत अच्छा हो जाता है, एक बहुत बुरा। अब ये कहे कि आप ये नहीं कर सकते कि अपन पूरा घर वाले उनके ख़राब हैं, है ना। तो अच्छे बुरे लोग इंसान हर विभाग में हैं, हर जगह पे हैं, पर ये है कि हमारा पुलिस चूँकि वर्दी चमकती है तो अलग से नोटिस होती है। कुछ लोग हैं जो सच में गलतियाँ करते हैं, गलत करते हैं, उनके कारण पूरा डिपार्टमेंट का नाम खराब हो जाता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है।
वास्तव में पुलिस बहुत मेहनत करती है। आप एक्चुअल में कोई भी फर्म या सिस्टम का यही है कि आप जब तक उसमें शामिल नहीं होंगे आपको दूर से लगेगा कि अरे यार इसमें ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें दिख, पर आप जब उनके बीच का हिस्सा बन जाओगे समझ में आएगा कि पुलिस कितनी मेहनत करती है। हम लोग कोई त्यौहार में नहीं जाते हैं, एक जब से मैं सिलेक्ट हुआ ना दिवाली ना हो सब छूट गया। सब मैं भी जब कोई मेला वगैरह में जाता हूँ देखता हूँ पुलिस वाले भाई, जैसे आप ड्यूटी कर भाई, बाकी विभाग त्यौहार में घर जाता है परिवार के साथ रहता है, लेकिन हम त्यौहार में हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटी हो जाती है। कोई फिक्स नहीं 24 घंटे की ड्यूटी, कोई 8 घंटा नहीं, कोई 6 घंटा नहीं, पता चले मैं 11 बजे तक अभी 11 बजे तक ड्यूटी करके आऊँ, या फिर रात में जैसे नाइट पेट्रोलिंग किया मैं रात के 12 से सुबह 6 बजे तक, और 6 बजे आके लगा कि सो लूँ थोड़ी देर, और 7 बजे फ़ोन आ जाए कि वहाँ मर्डर हो गया आपको पहुँचना, जाना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। मतलब 24/7 वही बात है कि पुलिस का स्ट्रगल कोई नहीं देखता, बस वो छोटी छोटी जो एक दो लोग गड़बड़ करते हैं उनको देख के उनके खिलाफ मतलब बना लिए। वही बात है, हर एक फील्ड में तो अच्छे बुरे इंसान होते हैं, वही कुछ बुरे के वजह से पूरा डिपार्टमेंट का नाम खराब, वही पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह लोगों के लिए खराब होता है, लोग बना लिए ऐसी मेंटेलिटी कि नहीं पुलिस तो ऐसा ही करती है। खैर कोई नहीं, चलिए सर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, एंड आई होप सो काफ़ी लोग मोटिवेट भी होंगे आपके इसी स्टोरी से, एंड आपने ये भी साबित किया कि मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, आपने 21 साल में इतने कम उम्र में इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से भी, मेरे ऑडियंस के भी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड पब्लिक को भी बोलना चाहेंगे, अगर आप लोगों को आज का ये स्टोरी अच्छा लगा इनका, तो इस वाले वीडियो को तो लाइक कर ही देना, शेयर कर देना काफ़ी लोगों से, बाकी सर के भी चैनल को चेकआउट कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए पढ़ाई लिखाई में, फिलहाल है ना सर, काफी लोग ऐसा है कि आज के डेट में पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सोशल मीडिया पर आ जाओ, सबको क्या है कि यूट्यूबर ही बनना है। और मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ इंसान को, मतलब सक्सेस करने के लिए काफी सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि आपको यूट्यूबर ही बन के आप सक्सेस कर सकते, बिल्कुल जैसा आप भी अपने लाइफ में आज सक्सेसफुल है, तो बस ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, साथ साथ आप यूट्यूब वगैरह कर रहे हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू सो मच।